नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नाभा के गांव भोड़े सैफन के नजदीक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े परिवार को मारी टक्कर, महिला की मौत, दो बच्चे गंभीर घायल। अमृतसर पुलिस ने सूचना के आधार पर नशा तस्करी करने वाले बाप बेटे को किया काबू, 4 किलो हेरोइन व ड्रग मनी की बरामद। अमृतसर देहात पुलिस ने सीमावर्ती गांव मुहावा में 2 किलो हेरोइन की बरामद। पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन के जरिए गिराई थी ये खेप। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब की सड़कें खूनी सड़कें बनती जा रही हैं। आए दिन तेज रफ्तार वाहनों की लापरवाही के कारण अनेकों कीमती जानें भी मौत के मुंह में जा रही हैं, जिसकी ताजा मिसाल देखने को मिली नाभा ब्लॉक के गांव भोड़े सैफन के नजदीक, जहां तेज रफ्तार कार चालक ने सड़क किनारे खड़े एक परिवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण कमलजीत कौर नामक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और मृतका के दोनों बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि इस दौरान पति बाल बाल बच गया। वही कार चालक की कार खेतों में जा गिरी और वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने कार चालक के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मेरा नाम मखणा जी, मेरा पिंड जब्बो माजरा। असी पटियाले रजिंद्रा हस्पताल च दवाई लैन चले थे। असी ना मोटरसाइकिल कच्चे च खड़ा के एक साइड ते बच्चे दे रुमाल बन्नण लग गया। तो जब मैं मोटरसाइकिल तोरन लग्या बिल्कुल साइड तो पिछों घट्टो घट 100 किलोमीटर 80-100 की स्पीड से गड्डी ने आके पिछों चक लिया। तो उस तो बाद फिर मैनू नहीं पता लग्या भी की होया की नहीं होया। मेरी वाइफ का तो जी उत्थी डैथ हो गई। तो बच्चे ने हुण आई हुण मैनू इंसाफ मिले कोई की लगता तेज स्पीड है इन्नी रोज़ एक्सीडेंट हो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए है जी, बिल्कुल होनी चाहिए है जी। जे मेरा कसूर हों गए होंगे असं मनते भी साडा कसूर आ, साडा कोई कसूर ही नहीं है। असी कच्चे च खड़े एक साइड के उत्ते बिल्कुल मैं बहुत डरता। मैं पहले ही साढ़े नाल हादसा बीत चुकया, साड़ी मेरी भरजाई डैथ हो गई, छोटे छोटे बच्चे असं मतलब पा रहे हैं। हूँ रहा खूँ साढ़े नाल आ काम हो गया। मेरे दो बेटे ने स्पीड मेरे गड्डी की घट्टो घट 120-130 की स्पीड हो गई। हाँ जो पहला मेरे मैं मैनू ना 5-4 किलो पिछ मीटर पिछों मिले बंदा है, गड्डी बहुत तेज़ आ रही। मैं चलो वाहगुरु का वाहगुरु कृपा करी है ना, बंदा इन्नी तेज़ आ रहा। यही जब मेरे नाल थोड़े दूर से देखे जाके उन्होंने मैं उड़ा के मारिया उन्होंने बंद। जब मैंने जद ही पता लगे भी बस घर जो उ पूरे हो गए थे। तो वह मुंडा सी थोड़ा ज़्यादा जख्मी दिमाग इन्होंने चक्या, मैं तेने पे बोतल मैं तुझे तो इलाज कराइए, इन्होंने मैं लैके उ गया। गड्डी चालक किन्नी की उम्र होगी? गड्डी मेरे हिसाब ना है 30 साल का। हाँ 30 साल का है। की लगता इन्नी लापरवाही रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं? मेरे जेड हिसाब ना यार स्पीड से तो बुरा हाल है कि नहीं जी, हौली चलाना चाहिए। हाँ मेरे मेरे सामने हो मेरे गाह गड्डी उन्होंने ही सी, मेरे तो अगे उन्होंने गड्डी सी। 4 बंदे आए हैं साढ़े को टोटल, उन्होंने तो एक ब्रॉड डेड है तो बाकी तो सट्टा लगे हुई ने एमरजेंसी के एडमिटेड है। इन्होंने फस्ट एड देती है, स्टिचिंग वगैरह हो रही है इन्हों की, फिर एक्सरे करा के देखा भी इन की जी इंजरी है किन्नी सवीयर हैगी। टोटल 4 ने नहीं टोटल 4, एक ब्रॉड डेड है तो वो 2 बच्चे ने जिन्हें सट्टा लगिया ने ते एक होर इंजर्ड। दसन के मुताबिक मैं एमरजेंसी तो पता किया है लोपे भोड़े के कोल कि सू तलाह मिली सी पिंड वालों तो फोन किया सरपंच बीजे सिंह ने, उन्होंने दसिया भी असी जड़े आ मरीजों एम्बूलेंस राही गड्डी चो कढ़ के मौके तो भी उन्होंने सी एच नाभे भेजता है। कोई मौत भी हुई है? हाँ एक लड़के की मौत हुई है। कि उम्र की मौत अमृतसर देहात पुलिस ने सीमावर्ती गांव मुहावा में से हेरोइन बरामद की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP परवेश चोपड़ा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान के तस्करों ने ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप गिराई है,
जिसके तुरंत बाद ही पुलिस की टीम ने गांव मुहावा में सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान गांव में एक लिफाफा मिला, जिसकी जांच करने के दौरान उसके अंदर से 2 किलो हेरोइन बरामद हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस इलाके के पुराने तस्करों की सूची खंगाल रही है, क्योंकि सीमावर्ती गांव के ही कई तस्कर इस समय जेलों में बंद हैं। उनके खिलाफ हेरोइन और हथियार तस्करी के मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर में वार अगेंस्ट ड्रग्स की मुहिम तहत बड़ी कामयाबी मिली है, जिस दे विच कल 4 किलो हरोइन, एक कार वरना ते नाल ओदे 5,40,000 ड्रग मनी रिकवर की गई है। ये ऑपरेशन जिहड़ा है इहनू अगवाई कर रहे सन DCP डिटेक्टिव नाल उहनां दी टीम ADCP अभिमन्यु राणा, ACP मनिंदर एंड ACP मिस्टर नागरा वरिंदर नागरा ACP क्राइम। इस दे रिगार्डिंग FIR रजिस्टर की गई पुलिस स्टेशन सुल्तानविंड, FIR नंबर 158 अंडर सैक्शन 21-2185। ये जड़ा पहला रिकवरी हुई तरन तारण डिस्ट्रिक्ट विच कोट बुढ़ा पुल है जगह उत्ते नाका लगाया सीगा। जेडे दोनों अक्यूज सुखचैन सिंह ते उन्हां दे फादर बलविंदर सिंह, उन्हां नूं पकड़ के उन्हां तों रिकवरी की गई। उसके फॉलोअप दे विच इन्हां दे घर दी सर्च जाके फिरोजपुर इन्हां दे रिहायश ते की गई, जिहड़ा कि पिंड पैंदा है विलेज ममदोट, पिंड राओ के हिथार हैगा थाना ममदोट। उत्थों फरदर 2 किलो हेरोइन, हाँ जी, सीक्रेट इनफॉर्मेशन ते FIR रजिस्टर हुई सी कि भी ये दोनों जड़े स्मगलर्स हैगे है अमृतसर शहर तरन तारण ते फिरोजपुर च स्मगलिंग कर रहे हैं, ते इस एरिया च ही कितने इन्हों का होने का अंदेशा है। उस इनफॉर्मेशन ते बेस ते इन्होंने जाके कोटबुट्टा पुल ते नाकाबंदी की, जिथे कि ये दोनों आ रहे थे तो साड़ी टीम ने उन्होंने पकड़े। सर रकम कितनी रिकवर हुई थी? 5,40,000। इन्हां दे सर ये पता लगा जी पहला किन्ने पर्चे सी जां ये हरन कित्थों लिया के कित्थे दे रहे सी? हाँ, यहाँ ले इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेट नाइट रिकवरी हुई है। तो बहुत सारे केसेस इस तरह के सामने आ रहे हैं भी जितनों जेल के अंदरों बैठ के ऑपरेट किया जा रहा है, क्यों इस तरह का कोई केस इधर ना भी रिलेटेड है क्या कि जेल के अंदरों को ऑपरेशन आ जाएगा? नहीं, ये वाला जेड़ा है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे सीधा जेल तो नो डाउट करते हैं, जिथे भी सानू कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है असं उस पर कार्रवाई करते हैं एज पर लॉ। डिलीवर कितने करनी चाहिए? हाँ जी, ये हले पुछगिछ जा रही है इन्हां दी इंटरोगेशन च। साडे यंग ऑफिसर है ACP मनिंदर सिंह, इन्हां दे नाल ACP क्राइम, बाकी इन्हां नूं जिहड़े लीड कर रहे सी अभिमन्यु राणा ते जगजीत सिंह वालिया, इन्हां ने ऑपरेशन प्लान करिया सी। बट बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट जिथे जिथे रिकवरीज हुई हैं उत्थे दी पुलिस ने भी पूरी कोऑपरेशन दी थी। हाँ जी, कितनी देर तो काम कर रहे थे? ये दसो जी, हले मेरे ख्याल इन्वेस्टिगेशन च आएगा। सर चल रहे सर, रकम नहीं सर ये लेके पता 2 किलो सी जे इस तो ज्यादा सी, क्योंकि इनको पैसे जेडे काफी मिले हैं, बेच के तो ले आए या कि उनको हले प्रिलिमिनरी आज रात नु ही लेट नाइट लॉयर रिकवरी हुई है। बाकी साड़ी टीम जी तो कोशिश करेगी जो भी यदि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजिज, फॉरवर्ड हों भी इन्होंने कितने देना सगा, बैकवर्ड हों कितों लैके आए, उसके बारे लीड फॉलो करेंगे। एक बैकवर्ड है ऑलरेडी जा चुके हैं तरन तारण, तो इन्होंने पता लग गया कि भी होर भी इन्हों तो रिकवरी हो सकती है इन्हों के घरों, वो हले इन्वेस्टिगेशन चाहेगा। सुनाम पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 29 ग्राम हेरोइन बरामद की है। हेरोइन के इस तस्करी मामले में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए SHO सुनाम सुखदेव सिंह ने बताया कि पकड़े गए तीनों नशा तस्करों पर पहले भी दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से अधिकतर लोग जमानत पर आने के बाद फिर से नशा तस्करी के कारोबार में संलिप्त हो जाते हैं, इसलिए पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की जायदाद को भी साथ में अटैच करने की योजना बनाई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है।
संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। पंजाब सरकार दे फैसले मुताबिक मानयोग डीजीपी साहब वालों वक्-वक् सीनियर अधिकारियों वालों एसएसपी साहब सरदार मनदीप सिंह सिद्धू जी वालों सानू नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिते हुए ने। इस दे चलते असी स्पैशल सर्च ऑपरेशन नाकाबंदियां अते खुफिया तौर पर सोर्स लाए होंगे ने। इस दे चलते 5-6 मुकदमे दर्ज किए ने जिदे च हैरोइन बरामद की है जिन्हों चिट्टा भी कह दें। इस तों अलावा चूरा पोस्त बरामद की है ते एक रीसेंटली राणी कौर वाइफ ऑफ मक्खन सिंह नाम की औरत है वो खिलाफ बहुत मुकदमे पहला भी दर्ज ने। उन्होंने अरैसट करके वो 13 ग्राम असी हैरोइन बरामद की है। 2 मुकदमे असी कल दर्ज किए ने। उहदे च एक मूर्ति देवी एक होर औरत है उहदे खिलाफ़ भी बहुत मुकदमे दर्ज ने। उहदे कोलों 10 ग्राम के करीब हैरोइन बरामद की है। एक होर व्यक्ति हैगा एक इत्थे भजन नाम का एक समगलर सी उहदी डैथ हो चुकी है। उहदा पोतरा गुरप्रीत सिंह उहनू अरैसट करके उहदे कोलों भी 6 ग्राम हैरोइन बरामद की गई है। ये जिन्हें लोग तुसी मतलब अरैसट किए ने उन्हों तो बरामदगी की है इन्हों को पहला किस तरह के मुकदमे दर्ज ने और उदू बाद जमानता दे लोग आए हुए ने जा कुछ चलान पेश किए गए ने वो की मतलब उनका डिटेल है। ये जिदा जानते हो तुसी सुनाम का एक एरिया एक बस्ती है बदनाम बस्ती जिन्हों कहा जा सकता है इंदिरा बस्ती के नाम से। उतों के जेडे एक खास बरादरी के लोग ने वो नशे की समगलिंग लगे हुए हैं। कुछ लोग उन्होंने भुक्की बेचते हैं कुछ हैरोइन बेचते हैं कोई गोलियां वगैरह छोटे छोटे नशे जोड़े बेचते हैं। तो इन्हों के खिलाफ असी बहुत मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। कई के खिलाफ 15-15 मुकदमे भी दर्ज ने जिन्हों के खिलाफ कमर्शियल क्वानिटी के मुकदमे दर्ज ने। उन्होंने असं प्रॉपर्टियां भी अटैच करवा रहे हैं लेकिन इस चीज़ तो बाज नहीं आते जो जेल चो जमानते आ जाते हैं फिर दोबारा उस काम च लग जाते हैं। बठिंडा में दिन ढलते ही शहर के विभिन्न चौकों पर खड़े होकर लोगों से लिफ्ट मांगकर अपनी लूट का शिकार बनाने वाली 5 महिलाओं और 2 पुरुषों को थाना कोतवाली पुलिस ने काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना कोतवाली के इंस्पेक्टर परमिंदर सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान काजल नेहा इंद्रजीत कौर प्रवीणा कौर जसविंदर कौर सभी निवासी परसराम नगर बठिंडा और जगसीर सिंह निवासी गांव लखी जंगल जिला बठिंडा लखबीर सिंह निवासी गांव थराज जिला मोगा के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस को मोहन लाल निवासी बठिंडा ने शिकायत दी थी कि 6 नवंबर को 2 महिलाओं ने उससे लिफ्ट मांगी और जब उन्होंने उक्त महिलाओं को अपनी गाड़ी में बिठा लिया तो थोड़ी दूर जाने पर महिलाओं ने उस पर अश्लील हरकतें करने का झूठा आरोप लगाकर उसका मोबाइल और नकदी छीन ली। इतना ही नहीं एक महिला ने साजिश के तहत एक वीडियो भी बना ली और इस वीडियो के जरिए महिलाओं द्वारा उससे ब्लैकमेल कर 5 लाख रुपए की मांग की गई जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर उक्त आरोपियों को काबू किया है। उन्होंने कहा कि इनके 2 साथी कोमल और गगनदीप सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। मानयोग सीनियर प्रधान पुलिस बठिंडा श्री जे एलन चेलियन अते डीएसपी सिटी 1 बठिंडा विश्वजीत सिंह मान जी के दिशा निर्देशों हेठ पिछले दिन ही बठिंडा दे विच जो बस स्टैंड एरिए तो लैके हनुमान चौंक अते रेलवे स्टेशन अते इस दे नज़दीक संतपुरा रोड उपर लड़कियां दा एक ग्रोह बनाया होया सी कुछ आदमियां नाल मिलके जो कि भोले भाले लोगों नूं अपनी गिरफ्त दे विच लैके उन्हां नूं अपने जाल विच फसा लैंदे सन अते बाद दे विच उन्हां नूं उन्हां दी वीडियो बना के उन्हां नूं पैसे ठग लैंदे सन। इस दे संबंध दे विच कार्रवाई करदे होए थाना कोतवाली पुलिस ने सिविल लाइन थाना पुलिस दे सहयोग दे नाल इन्हां नूं गिरफ्तार करन दे विच कामयाबी हासिल कीती है जिस दे संबंध दे विच मुकदमा नंबर 192 मिति 7/11/22 नूं 384-506-323-120 दर्ज कीता गया जिस दे तहत हुण तक 5 लेडीज़ नूं गिरफ्तार किया गया जिस दे विच इंद्रजीत कौर इंद्री प्रवीण कौर जसविंदर कौर मोना
ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਇਹ ਪੰਜੇ ਪਰਸਨਾ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਥਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੈਤੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਹਜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ ਸਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 35,000 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜੇਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਏ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 35,000 ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਮੇ 21 ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਰਥੀਓ ਕੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਏ ਗਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੋ ਕਹਾ ਕਿ ਵੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਮੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵ ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ 12,560 ਗਾਓਂ ਕੋ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਉਨਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੋ ਕੇ ਕਮ ਸਮੇਂ ਮੇ 25,000 ਸੇ ਅਧਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੋ ਕਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋ ਕੇ ਤਹਿਤ ਕਾਮ ਕਰੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਏ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਮੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੇਗੀ ਰਾਜ ਮੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋ ਹਰ ਕੀਮਤ ਪਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾ ਜਾਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 21 ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਬਠਿੰਡਾ ਮੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਜਸ਼ਨ ਏ ਵਿਰਾਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਨਸ਼ੋ ਸੇ ਬਚਾਵ ਕੇ ਲੀਏ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਾਈਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਥੀ ਇਸ ਨਾਈਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਜਸ਼ਨ ਏ ਵਿਰਾਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਸ ਵੀ ਬਾਂਟੇ ਗਏ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਾਈਟ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਏ ਗਏ ਬਾਊਂਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਹਾਂ ਲੋਗੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਤੋ ਵਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੋਂ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਮੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ
जिस कारण हंगामा हो गया और वहां पर तैनात बाउंसरों द्वारा लोगों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। आज की नाम मेरे राज, मेरा नाम वीर जी, बठिंडे का रहने वाला, लेडीज मेरे नाल ने, मेरी वाइफ नाल है, मेरी दीदी नाल है। साडे एक बंदा धक्के नाल अंदर वड़िया जी, सानू आ पास दिता, किस करके दिता, जो एंट्री है नहीं, सारे गेट बंद है जी, ए टू जेड सारे गेट बंद है, सिर्फ एक फ्री वाली एंट्री ओपन है, 7 नंबर गेट ओपन है, बाकी सारे बंद है। असी पास दिखाने, सानू धक्के मार के बाहर कढ़ दिंदे, रीजन दा दसो सानू, जे सानू अंदर नहीं वाड़ना तां पास क्यों दिता है जी, सानू इस चीज़ का रीजन दसो जी। ठीक है, पास दिते गए तुहानू, सानू ऑडियंस वालों कई साढ़े जिहड़े आप दे खास बंदे जिन्हां दे अंदर ड्यूटी, उन्होंने सानू पास वंडे। हाँ सर, मुलाजम नहीं जान दे रहे जी, तुहाडे सामने असीं कहो दे मिन्नता करी जांदे सी, हर एक मुलाजम की मिन्नता कर रहे हैं सर, जान दो, लेडीज़ नाल है, कोई सुन नहीं रहा साडी। ਬਾਊਂਸਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਊਂਸਰ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈ ਖੜਾ ਸੀ ਬਾਊਂਸਰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਪਾਸ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ, ਹੋਰ ਐਂਟਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ, ਧੱਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਪਾਸ? ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜੋ, VIP ਪਾਸ ਆ ਲਓ। ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ VIP, ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। फिरोजपुर में सेशन जज वीरेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में लोक अदालत लगाई गई, जिसमें 22 डेस्क लगाए गए और लोगों का मौके पर ही पिछले पड़े केसों का निपटारा दोनों पार्टियों की सहमति से किया गया। इस मौके पर सेशन जज वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि इन लोक अदालतों से बहुत से लोगों को फायदा पहुंचता है। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों की सहमति से लंबे समय से चले आ रहे केसों को हल किया जाता है, ताकि लोगों को अदालतों के चक्कर ना लगाने पड़े और लोगों ने इसका लाभ भी उठाया है। उन्होंने कहा कि इस अदालत में कई झगड़े सुलझाए गए हैं। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। नेशनल लोक अदालत जड़ी है कि आज फिरोजपुर जिले दिया वक्फा अदालतों के लगाई जा रही है। कुल 22 बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, जिदे विच जरा है 15 बेंचेस फिरोजपुर सिटी दे विच, 3 जीरा दे विच, ते 2 गुरहर सहाय दे विच, 1 बेंच रेवन्यू का लग्या है, ते 1 जरा है कंज्यूमर फॉर्म का लग्या है। इस दे विच अज जरा है 6900 मुकदमे जड़े विचारे जा रहे हैं, जिदे विचों 3343 जड़े मुकदमे हैं वो पेंडिंग केसेस हैगी है, कुछ 3300 केसेस जड़े हैगी है वो प्री लिटिगेटिव है। प्री लिटिगेटिव केसेस वो हुंदे ने जड़े कि अदालत दे विच वो रेगुलर केसेस नहीं फाइल किए गए हुंदे, बल्कि लोगों का आपस में झगड़ा हुंदा है, तो वो एक सिंपल पेपर दे उते अपनी जड़ी दरखास्त दे देंदे ने, दूजी पार्टी नू नोटिस दिता जांदा है, तो दोनों पार्टियां नू बुला के जड़ा है समझौता कराने की कोशिश की जाती है। वो उस तरह के मुकदमे भी जड़े है 3300 ले गए हैं, जिन्हां दे विच बहुते जड़े है वो बैंक केसिस या सैल कंपनीज़ के केसिस है। तो उम्मीद है अज जड़ा है 1500 तो जड़े पेंडिंग केसिस है साढ़े उही सैटल हो जाएंगे, जिड़े कि कुल साड़ी पेंडेंसी जड़ी हैगी है फिरोजपुर सैशन डिविजन की उदा 5% है। तो 5% मुकदमे जड़े है अज राजीनामे नाल जड़ा है कुल पेंडेंसी का वो सैटल हो जाएंगे लोक अदालत। अदालत जी फिरोजपुर हो रहा है, नैशनल लोक अदालत का मतलब तो यही है कि नैशनल लैवल के उत्ते आयोजित की जा रही है, ये हर कचहरी के जड़ी हैगी है लगाई जा रही है। फिरोजपुर के फिरोजपुर जीरा अते गुरु हर सहाय तीनों जगह के उत्ते लगाई जा रही है। सर, इस नैशनल लोक अदालत च होने वाले फैसले जो दोवें आपसी धिरां दी रजामंदी नाल किए जाते हैं? बिल्कुल, जिहड़ा भी लोक अदालत का फैसला है वो धिरां दी आपसी रजामंदी नाल किया जाता है। तो इस दे विच जिहड़ा है एक फैसला जिहड़ा फाइनल हुंदा है, इसकी कोई अपील नहीं हुंदी, इनू सिविल कोर्ट की डिग्री की मानता प्राप्त है। इस जे कोई धिर मुनकर हो जाए तो उसकी एक्सीक्यूशन कराई जा सकती है, जिवें डिग्री की एक्सीक्यूशन कराई जा सकती हैगी है, तो इस ते लगी हुई कोर्ट फी जड़ी हैगी है वो भी वापस मिल जाती है।
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਨ ਵਿਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਕਰਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਪਰਮ ਆਦਰਨੀਏ ਪਰਮ ਸ਼ਰਧੇ ਰਾਜ ਯੋਗਿਨੀ ब्रह्म कुमारी कृष्णा बहन का प्रथम पुण्य स्मृति दिवस श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में आयोजित किया गया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनों ने प्रार्थना कर ब्रह्म कुमारी कृष्णा बहन को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पुडुचेरी के पूर्व गवर्नर इकबाल सिंह, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, विधायक रमन अरोड़ा, मेयर जगदीश राजराजा, पूर्व विधायक केडी भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक सुशील रिंकू, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विच, राजन अरोड़ा, राजन अंगुराल, प्रेम बहन, उत्तरा बहन, संदीरा बहन, लक्ष्मी बहन, अनीता बहन, रेखा बहन, रीमा बहन, पुष्पा बहन, उषा बहन, आशा बहन, रजनी बहन, वीना बहन, तृप्ता बहन सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर ब्रह्मलीन कृष्णा बहन को श्रद्धा सुमन भेंट किए। तो मुझे उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। सबको प्यार करना, बहुत सरल नेचर, बहुत मधुर बोलना। तो दीदी जी के स्वभाव ने एक प्रथम मुलाकात में ही मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला और मैंने आदरणीय राज दीदी जी को कहा कि मुझे कृष्णा दीदी जी के पास ठहरना है। तो उन्होंने मुझे जलंधर गढ़ा सेंटर पर उनके पास रखा। तो मेरे कुछ स्वभाव ऐसे थे पर दीदी जी के इतने मीठे स्वभाव, इतने प्यार ने और मुझ आत्मा को बदल दिया। तो बहन जी हमें ऐसे पढ़ाते थे जैसे हम स्कूल में पढ़ाते थे, तो हमें हमेशा कहते थे कि तुम्हें तो डबल टीचर बनना है। तो मैं सोचती थी कि डबल टीचर क्या होता है, क्या कैसे बनना होता है, तो मुझे तो कुछ ऐसा अनुभव ही नहीं था। लेकिन दीदी जी ने पहले मुझे पढ़ाया और उसके बाद फिर कोर्स करना भी सिखाया कि कैसे दूसरों को समझाना है। एक एक बात जो थी वो खुद बैठ करके समझाते थे। माँ की पालना देना तो उनका जैसे स्वभाव ही था। हर एक कोई भी छोटी बहन आती थी तो वो उनको माँ के रूप में ही देखती थी, क्योंकि वो हमारे खाना पीना रहना बातचीत करना और बड़ों से बातचीत करना ऐसे हमें हर बात में ही प्रेरणा देते थे। हर दिल की बात उनसे शेयर करते थे। तो उनके अंग संग रहने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो बाकी ये जो बड़ी दीदियां हैं ये बहुत ही रहम दिल होती हैं, बहुत ही सबका रिगार्ड रखती हैं, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। हम इतनी छोटी छोटी बहनें भी आती थी तो क्लास से उठा के भी उन्होंने हमारे को कहना ये आपके लिए ये बनाया है, मैंने छोटी छोटी बातें भी कैसे हम बच्चों को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो हमें ये यही शिक्षा दे के गए हैं कि वैसे तो आम हम देखते हैं कि कोई कहता है, बसों में भी लिखा होता है कि मौत और ईश्वर को सदा याद रखो। तो बाबा भी मुरली में कहते हैं कि बच्चे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, लेकिन हमें ये नहीं कहते कि अभी ही चले जाओ, लेकिन अपनी स्थिति ऐसी बनाओ, कर्मातीत स्थिति। तो ये दो दीदी जी हमें यही प्रेरणा देकर गए हैं कि जो हमारी घड़ियां बची हैं जीवन की, उनको हमने अपनी आत्मिक स्थिति बना के और अपनी कर्मातीत स्टेज बना के और तभी हमने आप आगे अपनी मंजिल को तय करना है। आज का दिन जो हमारे दीदी जी कृष्णा दीदी जी
कैसे एक साल बीत गया पता नहीं चला। ऐसे ही लगता है जैसे वो आसपास ही है। कैसा उनका जीवन था आप सबको पता है। कैसे वो हमेशा हंसमुख रहते थे। हंसते हंसते परमात्मा का ज्ञान उन्होंने दिया। उनकी उपस्थिति ऐसी होती थी, एक निर्दोष कोई भी उनके पास पहुंच जाता था और वो अपना प्यार परमात्मा का दुलार उन आत्माओं को बांटते थे। परिवार की चारों कन्याओं को उनके पिताजी ने उनकी स्वेच्छा के अनुसार इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तो ये देखा हम सभी ने भी कि कृष्णा बहन जी उनसे पहले उनकी बड़ी दीदियाँ आदरणीय राय दीदी, आदरणीय शुक्ला दीदी जी और कृष्णा दीदी, फिर अरुणा बहन शिमला में रहते थे। तो सभी के मन में एक सेवा का ही उमंग, एक लक्ष्य उद्देश्य था, जिस सेवा भाव से उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। लेकिन ऐसा आज की दुनिया में बहुत करना मुश्किल है कि जो ऐसी आध्यात्मिकता के जीवन को कोई अपने जीवन का अंग बना ले और सर्वस्व समर्पित हो जाए। उन बहनों के जीवन का ही ऐसा स्वरूप सामने देखने को मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि तब हम छोटे थे और जब संत जाना शुरू किया था, ना उस तिथि का पता, जब यात्रा समाप्त नहीं, ना हमें उस तिथि का पता, दोनों तिथियों का हमें नहीं पता। और शायद जीवन का यही एक रोमांच है। अभी बहन ने किसी के बीच में बात करी थी कि ऐसे जियो कि अगला पल आना या नहीं आना, ये सत्य है। हम यहाँ पे बैठे हैं सब, सिर पे मौत मंडरा रही है, कब किस समय आ जानी है किसी को नहीं पता। और इसी बात को लेकर जो किसी को भगवान राम ने अपने गुरु शिष्य से पूछा था कि अगर सब कुछ परमात्मा के दिया तो इस जीवन का क्या लाभ है। तो गुरु जी ने उस समय भगवान राम को कहा कि देखो, एक तो है प्रपत्त जीवन कर्म हमारे, जो इस समय वो आज जो कर्म करेंगे वो हमारा अगला भाग्य बनाएंगे। तो ये द्वंद्व चलता है जीवन यात्रा में, आपके प्रारब्ध कर्म में और वर्तमान जो कर्म करते हैं। और उन्होंने भगवान बाबा के जो आज कर्म करने जा रहे हो वो सोच के करना, क्योंकि उसी के आधार पर आपका भविष्य बनने जा रहा है। तो पतंजलि में जो योग की परिभाषा दी गई उसमें क्या, जो इतना हलचल इस संसार में है तो मन चंचल है, तो राजयोग उसको शब्द यूज किया गया वहां पे। तो राजयोग है कि आप अपने मन की चंचलता को निष्क्रिय करते हुए, उस पर काबू करते हुए उस परमात्मा के साथ अपने आत्मा को जोड़ना, ये राजयोग। और आज दीदी का अपने यहाँ चित्र रहा है और इस चित्र के पीछे हम इस चित्र को नहीं देख रहे, वो स्वरूप तो है पर असल में हम जो भी दीदियों ने बात करी उस चरित्र को देखते हैं, जिसने केवल अपना अपनी आत्मा को साथ में नहीं बनाया बल्कि और सबको प्रेरित किया कि ये रास्ता इस जीवन में जो यात्रा जो शुरू हुई है उसको जो मोक्ष जो अंतिम लक्ष्य है उसकी तरफ दिशा निर्धारित करना। और वो दिशा निर्धारित कैसे होती है, आपके अपने मर्यादित जीवन से। जो जितनी बहने यहाँ बैठे हैं, सुंदर भाई ने मेरे से बात की, मैं 1989 में शायद मैं पहली दफा आश्रम से जुड़ा था राज बहन जी थे, तो पहली दफा मैं समझता हूँ कि जो माइक पकड़ना और बोलना वो आश्रम से ही सीखा। मैं अभी सुन रहा था अपने भाई उत्तम हिंदू के बहुत बड़े राइटर और मेरे पुराने साथी मैं ना खालसा स्कूल में पढ़ता था जहाँ से भाई मुझे देखते थे।
तो वो समय मुझे याद है कि जहाँ पे बाबा की फोटो लगी होती थी उस रूप में, तो मैं दर्शन करता था। तो उस समय सब बातें बचपन में सुना करता था। धीरे धीरे जिंदगी का समय जो बीता जाता है उसमें आप किसी महापुरुष के दर्शन करो तो वो हर समय चलता रहता है। 92 में मैं पार्लियामेंट का मेंबर था तो एक दिन फोन आया कि आपको ब्रह्म कुमारी भैरवी मिलना चाहती है। तो मैंने समय दे दिया घर में, मैं कहा बाजे। तो सुबह सुबह कोई 9 बजे चार बहनें घर में आ गई। दूध स्टेट में रहता था उस समय। मैंने उनके सबके दर्शन किए, मैं अपनी मिसेज को भी बुलाया। तो बातें करते करते उन्होंने हमें कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे आप आश्रम में, यहाँ काफी आश्रम है, आप आए हमारे पास। फिर बातें और चलती रही जीवन के बारे में। मैंने उनको समझा बताया कि मैंने इस समय से शुरू किया हुआ देखा हुआ है। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपके आश्रम में आऊंगा। दिल्ली में आश्रम में गया, आश्रम में जाके मैं सबको मिला। कुछ परिवार शायद रहते थे, उनकी मिसेज, उनके हस्बैंड, जो भाई बहन का रिश्ता बना के वहां पे वो रहते थे। तो सबसे मेरी बातचीत हुई। कुछ आश्रम और भी मुझे थोड़े दिन में उन्होंने 3-4 आश्रम में ले गए। पर मुझे ये खुशी हुई कि ये भारतीय संस्कृति जो है, इस संस्कृति में हमें सबको उस प्रभु की लीला, उसका प्रभु का सिमरन, उसमें हमें रहना चाहिए। धीरे धीरे मैं काफी स्टेट्स में जाना शुरू कर दिया। तो जिस स्टेट में मैं जाना तो वहां पे भी मुझे बताया जाना कि यहाँ पे आश्रम है, आपको वो लेने आएंगे, तो मैं चला जाता था। प्रेम के साथ मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान मंच पर विराजमान सर्व महान विभूतियां सभा में बधाई सर्व भाई बहने। आज हम सब अपने आदरणीय श्रद्धे कृष्णा दीदी जो कि परमपिता परमात्मा की अति प्यारी, ब्रह्मा बाबा की लाडली और सभी दीदी दादियों की स्नेही, सारे दैवी परिवार की अति स्नेही आदरणीय कृष्णा दीदी जी के प्रथम पुण्य स्मृति दिवस पर हम पहुंचे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इतिहास में आदरणीय कृष्णा दीदी जी और उनके परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण यादगार है। हमारे पंजाब में इस समय जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वो आदरणीय कृष्णा दीदी जी के लौकिक पिताजी और सारे परिवार के पूर्ण योगदान
त्याग तपस्या सेवा से इतना विस्तार पड़ा। 1954 में अमृतसर में एक धर्म सम्मेलन हुआ था। हर वर्ष वहां पर वेदांत सम्मेलन होता है मजीठा रोड में निर्मल स्वामी जी के आश्रम। तो वो भारतवर्ष के वेदांतियों को जो महान आत्माएं साधु संत होते हैं उनको वो निमंत्रण देते हैं। उसी कड़ी 1954 के लगभग माउंट आबू में यहां से निर्मल स्वामी जी का निमंत्रण किया था और हमारे आदरणीय प्रजापिता ब्रह्मा उस समय थे। उन्होंने हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासक आदरणीय जानकी दादी जी को अमृतसर में भेजा था प्रवचन करने के लिए। 3 दिन दादी जी ने प्रवचन किया था और 3 दिन का ही प्रोग्राम था। उसके बाद गांधी जी को माउंट आबू जाना था। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। नाभा के गांव भोड़े सैफन के नजदीक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े परिवार को मारी टक्कर। महिला की मौत, 2 बच्चे गंभीर घायल। अमृतसर पुलिस ने सूचना के आधार पर नशा तस्करी करने वाले बाप बेटे को किया काबू। 4 किलो हेरोइन व ड्रग मनी की बरामद। अमृतसर देहात पुलिस ने सीमावर्ती गांव मुहावा में 2 किलो हेरोइन की बरामद। पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन के जरिए गिराई थी ये खेप। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। I'm